आज सुबह की चाय पीते हुए मेरी बेटी ने बोला कि ब्रेकफास्ट तो हमने काफी हैवी कर लिया है, इसलिए खाने में मम्मी बहुत ही लाइट बना करके तैयार करेंगे, जिसे खाने में स्वादिष्ट भी रहे और पाचन में भी हल्का रहे। मैं कल शाम को ही फ्रेश मेथी लेकर के आई थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर के मेथी को साफ कर लिया और सोचा कि इसी से कुछ अच्छा हल्का फुल्का नाश्ता बना लेंगे। इसमें ज्यादा मेथी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एक मुट्ठी जितना मेथी लेना है और कप में नाप के देखेंगे तो एक कप जितनी मेथी है। इस मेथी को साफ धोने के बाद में इसको हमें काट लेना है, तो थोड़ा थोड़ा मेथी लेकर के इस तरह से चाकू से भी काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं। और मेथी खरीदते समय यही ध्यान रखें कि मेथी हमेशा थोड़े मोटे पत्ते वाली लें, जिससे उसकी बरकत होती है और खाने में वो स्वादिष्ट भी लगती है। इस तरह से हमने पूरी मेथी को काट करके तैयार कर लिया है। अभी इसे ढक्कन लगा करके साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में सबसे पहले हम लगभग 3 कप जितना पानी डाल देते हैं। ये अंदाज से आप 3 कप ले सकते हैं, इसे ज्यादा भी ले लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं और 1 टीस्पून जितना ही तेल डाल देते हैं और उबाल का वेट करते हैं। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी चावल वाली सिवैया ली है। ये मेरे घर में अभी चावल वाली लाई हुई थी तो मैंने चावल वाली ली थी। आपके पास आटे वाली हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम महीन वाली सिवैया का इस्तेमाल नहीं करें, ये थोड़ी सी मोटी सिवई है। इस तरह की सिवई लेंगे तो रेसिपी ज्यादा अच्छी बनेगी। अभी पानी में उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद में सिवैया को इसमें डाल देना है। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सिवैया का पकने में कितना टाइम लगता है वो आपकी सिवई पर डिपेंड करता है। यदि आप चावल की सिवई लेंगे तो थोड़ा पकने में ज्यादा समय लगेगा और गेहूं वाली सिवई लेंगे तो थोड़ी जल्दी पक जाती है। अभी सिवैया को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं। 7 से 8 मिनट में सिवई बहुत ही अच्छे से पक जाती है। या मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ, यदि आपने आटे वाली सिवई ली है तो वो जल्दी पक जाती है, यदि आटे वाली सिवई को आप 8 मिनट तक पकाएंगे तो वो गल जाएगी। तो इस तरह से आप सिवई लेकर के थोड़ा सा तोड़ करके देख लें, चम्मच से इस तरह से तोड़ेंगे तो आराम से कट जाएगी। देखिए कट रही है सिवई आराम से, मतलब ये सिवई अच्छे से पक गई। देखिए आप चाहे तो 1 पीस ठंडा करके खा के भी देख सकते हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। इसमें हमने तेल डाला था इसलिए आप देख पा रहे हैं सभी सिवई खिली खिली बनी है, कोई भी सिवई एक दूसरे चिपकी नहीं है। अभी इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में लगभग 1 टीस्पून जितना तेल डाल देते हैं। तेल हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है और गैस को चालू कर देते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची, 4 लहसुन और आधा इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से महीन महीन काट लिया है। आप चाहे तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। अभी इसे हम तेल में डाल देते हैं, इसको हम अच्छे से पका लेना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तेल या घी में इतना ही डालना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप खाली मिर्ची और अदरक कोई काट के डाल दें या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अभी इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है और लहसुन वगैरह अच्छा पक गया है। अभी जो मेथी को हमने काट के रखा था वो मेथी इसमें डाल देते हैं। मेथी को हम हल्का सा पका लेंगे। यहाँ मैंने मेथी का इस्तेमाल किया है, यदि आपके पास मेथी नहीं होती इसकी जगह पर थोड़ा पालक भी डाल सकते हैं। पालक भी नहीं हो तो खाली हरा धनिया डाल दें। आप देख पा रहे हैं मेथी पूरी श्रिंक हो गई है। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना धनिया दिया, जिससे इसका फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा। थोड़ी सी हरी सब्जी भी हो जाएगी जो खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी और काफी हेल्दी भी रहेगा। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप जितना पानी लिया है और इसमें से लगभग 1 टेबल स्पून जितना पानी बचा लेंगे। अभी इसे साइड में रख देते हैं। अभी इसको अच्छे से एक बार उबाल लेते हैं। इस रेसिपी के अंदर पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। अभी पानी में उबाल आ गया है। पानी में उबाल आने के बाद में यहाँ पर मैंने 1 कप जितना ज्वारी का आटा लिया है, इसकी जगह पर आप बाजरी का आटा भी ले सकते हैं। तो इस आटे को अभी इसमें डाल देना है। गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में इसमें आटा डालेंगे और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा इसमें अच्छे से पक जाएगा क्योंकि पानी अच्छा उबला हुआ है। ज्वारी का आटा भी काफी हेल्दी होता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन वगैरह नहीं होता है। और गर्मियों के मौसम में क्या है, थोड़ी लाइट चीज खाते हैं तो पाचन में अच्छी रहती है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा एक लंप की तरह बन गया है। अभी इसे हम इतना ही पकाएंगे और ढक्कन लगा करके इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे और भी अच्छे से पक जाएगा। जब तक ये पक रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में लगभग 1.5 कप जितना दही डाल देते हैं। दही आपको फ्रेश ही लेना है। दही भी गर्मियों के मौसम में जरूर खाना चाहिए, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। दही को इस तरह से मैं फेंट लेंगे। इसी के साथ इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल दें, नमक ज़्यादा नहीं डालना है। दही हमारा काफ़ी गाढ़ा है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। यदि आपका दही थोड़ा पतला हो तो उसमें पानी नहीं डालें। ये मैंने 1/2 कप पानी लिया था, 1/4 कप जितना पानी मैंने डाल दिया है। अभी दही की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है। भाई साइड में हमारी सिवैया भी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद में सिवैया को इसमें डाल देना। सिवैया देख पा रहे आप सभी खुली खुली है।
एक कप सिवाई के अंदर लगभग हमारे को 1.5 कप जितना दही लेना है। ये रेशियो एकदम परफेक्ट रहेगा। अभी इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जब तक इसे मिक्स कर रहे हैं तब तक साइड ने मेरी बेटी ने छौंक बनाना शुरू कर दिया है। तो आज का छौंक हम घी में बनाकर तैयार करेंगे और उसमें थोड़ा सा हींग, राई, जीरा डाल करके उसे हल्का सा पका लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि आंच आपको बहुत ही धीरे रखनी है। अभी इसमें थोड़ी सी धुली हुई चना दाल और उड़द दाल डाल देंगे और इसी के साथ इसमें बारीक कटे हुए हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डाल देंगे। अभी नाश्ते में हल्का क्रंच लाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी मूंगफली और थोड़े काजू डाल देंगे। काजू डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप जरूर डालें। आखिर में इसमें हम एक साबुत लाल मिर्ची को तोड़ करके डाल देंगे और उसे हल्का सा पका लेंगे। जिसे लाल मिर्ची किसी को नहीं खाना है तो वो इस निकाल भी सकते हैं। अभी इस छौंक को इसके अंदर डाल देंगे। गर्मियों में वैसे आपने बघार भात, दही भात या सिवैया की उपमा जरूर बना के खाई होगी, पर एक बार इस तरह से बना करके देखें, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, तो इस तरह से आप खाने की जगह पर भी खा सकते हैं इसे। आज हम इसे खाने की जगह पर ही खाएंगे। आखिर में इस पर भी हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसी के साथ थोड़े से मैंने दाड़म के दाने लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। इससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और खाने में स्वादिष्ट भी लगेगी। इस तरह से हमारे दही गर्मी से लेकर बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। अभी इसे हम फ्रिज में रख देंगे जिसे थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तब तक साइड में जो मैंने ज्वार का आटा गूंद करके रखा था वो भी ठंडा हो गया। देखिए पूरा ठंडा नहीं, हल्का गुनगुना गर्म है। अभी इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं और इस आटे को गूंद लेते हैं। एक कप आटे के अंदर बराबर हमारे को 1 कप से 1 टेबल स्पून जितना कम पानी डालना है। आटा एकदम परफेक्ट बनेगा आपके। 1 कप पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा गीला रह जाएगा आटा। अभी देखिए आटा एकदम परफेक्ट हो गया। इसी तरह से आटा हमें बनाना है। अभी इसमें से एक लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से हमें लोई बना लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने चकला लिया है और एक लोई को ले लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे और इस लोई को हम बेल देंगे। आप देख पा रहे हैं मेथी के कारण से इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, स्वाद भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह का बना था, थोड़ा सा साइड में से कटा फटा रहता है, तो आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं। आज मैं इसे काटूंगी नहीं, ऐसे इसे सेक करके तैयार करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा बना है। अभी साइड में हमारे तवा भी गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे आपने गेहूं का आटे का थेपला बना करके खाया होगा, ज्वारी का आप एक बार बना करके देखें, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जिसको ग्लूटेन फ्री खाना पसंद है तो उसे तो बहुत ही पसंद आएगा। अभी एक साइड से गया है तो इसे पलट देते हैं। आप चाहे तो इसे रोटी की तरह सेक के भी खा सकते हैं या थोड़ा सा घी तेल लगा करके भी आप बना सकते हैं। ये हमें मध्यम आंच में सेकना है जिससे बहुत ही अच्छा सिकेगा। इसको अलट पलट के मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब देख पा रहे इसका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। इतना ही हमें पकाना है। अभी इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे रेशियो में लगभग ये 5 से 6 पराठे बन के तैयार होंगे। तो हम भी इन गर्मा गर्म पराठों को दही वाली सिवई और आम की लांजी के साथ में सर्व कर देते हैं। तो आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।